मतलब बताते तो कैसे हैं आप सब में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी झाड़ेंगे तरह तरह से होंगे। बारिश हो रही है भैया, मैं लाइट जो है लाइट ऑन करके मैं रोशनी करके रखी हूँ तो थोड़ा लाइट का दिक्कत होगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। थोड़ा काली काली से दिखाई दे सकती हूँ, अब ऐसे मोबाइल पकड़ने की जो है ना मन नहीं हो रहा। अब बात करते हैं हमारी सारा सत्तानी आंटी के ऊपर। सारा सत्तानी आंटी जी जो है, एक बात आप नोटिस करोगे तो आंटी जी जहाँ भी जाती है आंटी जी का जवैयों के साथ एक खास लगाव होता है, एक खास जो है ना एक जो बोल लो कि एक खास खातिरदारी जो है जवैया करते हैं। चाहे आप अगर आंटी जी की सूरत वाले ब्लॉग अगर आप देखोगे तो सूरत जब आंटी जी जाती थी वहाँ भी आंटी जी की जवैया आंटी जी को खास खातिरदारी करती थी। अब जब हिंदूपुर में गई है, हिंदूपुर की जवाई भी आंटी जी को मच्छी पकड़ के स्पेशल आंटी जी के लिए मच्छी पकड़ के जो है आंटी जी को खिला रहे हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है जैसे कि आंटी जी बोलती है। अब अगर बात करें हमारे आंटी जी की, तो ये औरत कभी नहीं सुधर सकती। ये जहाँ भी जाती है ना सेम उसका टेक्निक रहता है, हर जगह के बच्चों को ये बर्बाद करती है। जब सूरत गई थी वहाँ के बच्चों के सामने हुक्का पीना, रजनीगंधा खाना, रजनीगंधा खा के हुक्का पी के बच्चों के मुंह में किसी लेना, फिर पैर से एक बार उसने आयशा के जो बूढ़े का जो सबसे छोटी वाली जो पोती है उसके सर पे उसने लात भी मारा था, तो वहाँ पर भी उसने बदतमीजी की। यहाँ पे भी कल के ब्लॉग अगर आप नोटिस करोगे आंटी जी के, तो कल के ब्लॉग में आंटी जी बोली थी कि आपने नवासे को बोले थे हुक्का पिएगा, हुक्का पिएगा। फिर बोलती है कि हुक्का कैसे पीते, हुक्का कैसे पीते हैं, मतलब कि उसको लगता है कि हुक्का पीना एक बहुत बड़ी शान की बात है, बहुत बड़ी मतलब कि दोनों के बहुत बड़ी प्राइड की बात है। इतनी नॉनसेंस औरत है, कम से कम वहाँ के बच्चों को तो छोड़ देती। लेकिन नहीं, आंटी जी जहाँ भी जाती है आंटी जी का जो बर्ताव होता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि छपरी छपरी रहेगी। जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बोला, वंस इन अ कोठी वाली विल ऑलवेज अ कोठी वाली, तो उनकी जो एक इंसान का जो नेचर होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। फिर आंटी जी जो है बहुत इज्जत इज्जत का गाना गाती थी कि मैं बहुत जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत इज्जत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत लोग मुझे बुला रहे हैं, इतना लोग बुला रहे कि जिसके घर में वो गई थी जाके वहाँ पे शोशा कर रही थी कि देखो मेरा ब्लॉग जो है टीवी में लोग चला के देखते, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा ब्लॉग भी लोग टीवी में चला के देखते हैं। मेरी फ्रेंड बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी है जो मेरी बहनें जैसी है, वो मेरा ब्लॉग टीवी में देखते हैं, फ़ोटो खींच के मुझे भेजते हैं। और मेरा मतलब बड़े से स्क्रीन पे इतना गंदा वाला हुआ था, मैंने बोला यार क्यों मुझे फ़ोटो खींच के भेजती है। तो बहुत सारे लोग मैं तो दो कुंवारी की औरत हूँ, मेरी कोई औकात नहीं भाई, और मेरे इतने बड़े सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट मेरे ब्लॉग भी लोग टीवी में लगा के देखते, जिनके पास एंड्रॉइड टीवी है वो देखते, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आंटी जी को तो शोशा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, और उसी शोशा के चक्कर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आंटी जी जो अपना कचरा करवा देती है, आंटी जी उस घर में जाके बोल रही थी कि इनकी जो बेटियाँ हैं वो मेरी डाय हार्ड फैन है। जैसे ही उसने ये बात बोला तो बाजू वाला जो आदमी है ना वो भी मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, दबा दबा के हंस रहा था कि भाई क्या बोल रही है आंटी जी। ये इज्जत का दिखावा कर रही है, ये जो अपनेपन का अपनों का ये दिखावा जो कर रही है ना, मानना पड़ेगा भाई बुढ़े को, बुढ़े ने बुढ़ी को हिला के रख दिया, बुढ़े ने बुढ़ी का दिमाग हिला के रख दिया, तभी जो है बुढ़ी बुढ़े को दिखाने के लिए इतना ताम झाम वो कर रही है, इतना मशक्कत कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भैया बुढ़े को जलन हो, बुढ़े को दिखा सके कि बस तू ही नहीं है, मेरे पास मेरे अपने भी और है। इसके लिए ये गरीब जो रिश्तेदार है ना वो उनको इस्तेमाल करिए, जस्ट बिकॉज बुढ़े को जला सके और इसके व्यूज़ आप हो सके कॉन्टेंट के लिए। वो ये सब जो है ना कर रहे हैं, वो गरीब लोगों को जो है ना वो इस्तेमाल करिए। जैसे इसको इस्तेमाल करना ख़त्म हो जाएगा, ये गरीब लोगों से उसका वो काम निकलवा लेगी, दूध में से मक्खी की तरह वो फेंक दी। आई एम श्योर मैं बोली वो मुंबई जाके इन लोगों को भाव नहीं देने वाली है। वो लोगों को उसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, ये सबके घर में जाके खाती है, सबके घर में जाके रहेगी, खाएगी, सब हर किसी को माँ बनाएगी, बहन बनाएगी, बेटी बनाएगी। लेकिन कोई अगर इसके घर में आए, जैसे सूरत वाली फैमिली इसके घर में मुंबई आई थी एक बार, तो बुढ़ा उन लोगों को मुंबई में हाजी अली दरगाह लोकल ट्रेन में लेके गई थी, हालांकि उसके घर में दो तीन गाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर उसने जब घर पे वो लोग खाना खाए तो खिचड़ी खाए थे, और एक दिन लंगर का खाना खिलाए। लेकिन ये जो भी खाना खाती है, चाहे मैकडी का हो या बाकी और भी जहाँ जहाँ का वो खाना खाती है, अरे बच्चों को तक वो जो आइसक्रीम खाते नेचर्स का आइसक्रीम तक वो बच्चों को नहीं खिलाई। ये सबके घर का खाना खाएगी, लेकिन इसके घर में कोई पहुँच जाए ना तो देखना ये बीमार पड़ जाती है, तब उसको जो है ना खिचड़ी की याद आती है, लंगर का याद आता है। ये लोगों को ऐसे इस्तेमाल करती है,
और एक चीज़ आप नोटिस करना है, ये जितने दिन भी रही हूँ ये जो भी करती है वो तो दिखावे के लिए करती है, और ये अगर किसी को सदका भी देती है तो ये दिखावे के लिए ही देती है, मतलब दिखावा करके देती है, कुछ छुपाती तो है नहीं। ये इतने गरीब लोग के घर में गई, इतने गरीब लोग के घर में जाके खाई, खुद के लिए इतना शॉपिंग वगैरह किया, कार्टून भर के ब्लॉग के स्टार्टिंग में, कल के ब्लॉग के स्टार्टिंग में इस के बैठे में दिखाया कि कार्टून भर के ड्राई फ्रूट से कुछ शायद वो खरीद रहे थे, खुद को साड़ियाँ खरीदी, लेकिन बच्चों के लिए ना तो उसने कुछ लिया, ना ही अपने बहू बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई गिफ्ट ली, ना ही घर में मिठाइयाँ लेके गई। वो वहाँ पे गई, मुफ्त का खाना खाई, मुफ्त की गाड़ी में घूमी, सब किया। लेकिन एक होता है ना भाई, तू पैसे वाली है, दुकानदार को बोल रही थी कि अल्लाह ने मुझे पैसा भी दिया, इज्जत भी दिया, मुझे तो प्यार करने वाले बेटे भी दी, वो भी तो कोई भगोरा आदमी भी दिया जिसको मैं पैसे दे के बुलाती हूँ, लेकिन वो भाग जाता है। और इज्जत तो आंटी जी की वाह क्या ही कहना, हमको तो बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन एक होता है छोटे छोटे बच्चों को तो एटलीस्ट गिफ्ट देना चाहिए ना भाई, उनके लिए कुछ ले ले, उनके लिए वो कुछ भी नहीं ले, क्योंकि अगर लेके ना तो सूरत वाले के बच्चों के टाइम पर जैसे वो दिखा दिखा के दी, तो तब भी वो दिखाते रहते, लेकिन उसको दिखा के नहीं दे रहा, क्योंकि वो खरीद ही नहीं, क्योंकि वो जो भी करते वो ब्लॉग के लिए करते, और वो अगर कुछ करेगी और कुछ देगी और ब्लॉग में नहीं दिखाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये इस किस्म की जो है ना घटिया किस्म की औरत है वो। और फाइनली आंटी जी ने कबूल ही लिया कि बहू जो है वो तो हिंदू कुल की ही जाएगी आंटी जी के घर में। कल के अपने व्लॉग में वो साड़ी की दुकान पे बोल रही थी कि मैंने अपने मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, मतलब कि बिल पे करने आ रहे हैं कि मैंने पसंद कर लिया हो, आप लोग अभी बिल पे कर दो। और बोल रही थी कि मेरे बहू देखने की जिम्मेदारी जो है मैं अपने भाई भाभी को छोड़ के जा रही हूँ, और अहमदाबाद में भी बोल के रखा है मैंने, यहाँ के लोग ऐसे कर रहे थी, बेटा तुम जो है ना चार दिन की चांदनी है, चार दिन तक तुम लोगों को पसंद आती हो, पाँचवें दिन जैसे ही तुम्हारी जो है ना असलियत लोगों को पता चल जाती है तो लोग वैसे ही तुमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि तुम रिश्ते निभाने लायक औरत हो ही नहीं, क्योंकि रिश्ते निभाने लायक औरत होती ना तो आयुब रंटाक जैसा मजबूर आदमी तुमको छोड़ के नहीं जाता, आयुब रंटाक जैसे पैसों का लालची आदमी अगर तुमको छोड़ के जा रहा है, दैट मीन्स भाई तुम उस लेवल की औरत हो जिसको एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल फैमिली के लोग कभी भी हजम नहीं कर सकते। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, ये माँ बेटे दोनों घटिए हैं। उसकी माँ रोड पे बुलेट चलाती, बेटा शूट कर रहा था, बेटा बोले देखो देखो मम्मी को सब घूम के देख रहे, देखो पब्लिक रिएक्शन, देखो मम्मी को सब घूम के देख रहे, इतने घटिया उसका बेटा। बोलते ना कि जो हराम का खाते हैं ना उसकी औलाद भी हराम का ही होते हैं भाई, ये कोई शान दिखाने वाली बात है, वहाँ पे जाके भी तेरी माँ बाजारों की दिखाई। बोले देखो पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक घूम घूम के देख रहे, पब्लिक घूम घूम के तो उर्फी जावेद को भी देखती है, पब्लिक घूम घूम के तो राकेश सावंत को भी देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पब्लिक शाहरुख खान को जैसी इज्जत देता है वही इज्जत उर्फी जावेद को भी मिलती है, है कि नहीं? और कौन घूम के देख रहा था, इक्का दुक्का लोग देख रहे थे, लोग भी सोचते थे ये नमूनी यहाँ पे हमारे गाँव में कहाँ से आ गई है, क्या ही बोलो। खैर बारिश का मौसम है, मूड मेरा अच्छा है, और गुड़िया का बातें करके मेरा मूड ख़राब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आंटी जी बोलती कि मेरे सगे वाले, मेरे गांव वाले फलाना नहीं होता, तो आंटी जी गांव वाले सगे वाले तो बता दिया, लेकिन कभी बाप के सगे वाले और बाप के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, कभी अब्बा के बारे में भी जिक्र करो, ऐसा तो है नहीं कि पुराने ज़मानों की तरह तुम्हारी अम्मा तपस्या को बैठी थी और तुम जो है ना रोशनी से तुम पैदा हो गई, या फिर ऐसा तो है नहीं कि तुम नदी से जो है टोकरी में तुम बह के आई हो, तुम्हारे अम्मा ने तुमको नदी से उठाया है। आई एम श्योर दुनिया में आई हो तो माँ बाप दोनों के दम पे ही आई होगी, अकेली माँ ने तो पैदा किया नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे मामा के घर वाले अपने हैं वैसे बाप के घर वाले भी अपने होंगे, कभी अब्बा के बारे में भी जिक्र करो, कभी अब्बा के रिश्तेदारों के बारे में जिक्र करो। खैर वैसे तुमको पता होगा कि अब्बा कौन है और कहाँ के हैं, तभी ना तुम जिक्र करोगे। वैसे तो सुनने में आया है कि तुम्हारे जो दूसरे अब्बा है, तुम्हारे अम्मी ने जो दूसरी शादी की थी, उन अब्बा को भी कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है। और ये तो ये रिश्तेदारों को इतना प्यार दिखा रही है, जो औरत अपनी बहनों की हिस्सा खा गई 40 लाख में, उसकी माँ की खोली बिकी थी उसकी माँ मरने के बाद, वो 40 लाख वो खुद गटक गई। इसका भी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल में पड़ा हुआ होगा, आप लोग चाहो तो एक साल पीछे के ब्लॉग में जाओगे तो दिखेगा। अपने खैर वो बहनें तो उसकी सगी नहीं है, सौतेली बहनें हैं, उसकी माँ के दूसरे हस्बैंड के हैं, तो अपनी बहनों की हक उसने खा ली और उसकी माँ का खोली बेच के, उसको कैसे मालूम होगा रिश्तेदारों की क्या है क्या नहीं। वो बस कॉन्ट्रोवर्सी और जलन और दिखावा कॉन्टेंट के लिए ही वो इस्तेमाल कर लिए, जैसे ही उनको इस्तेमाल करना खत्म उनको भी टाटा बाय बाय कर देगी। आंटी जी ये औरत ऐसी है जो बिना स्वाद के वो किसी के मुंह पर थूके भी ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो हम यहाँ जो फिर दरख्वास्त है
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना भूलें चैनल में सब्सक्राइब करना, ना भूलें कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।